देखेंगे 16, 24 और 40 का एचसीएफ क्या होगा अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इस विधि में करना क्या है, जो दी गई संख्याएं हैं इनके हमें अभाज्य गुणनखंड कर देने। गुणनखंड का मतलब क्या होना है, किसी भी संख्या को अपनी अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना। ये है आपकी 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्याएं, 2, 3, 5, 7। जैसे 16 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, इस तरीके से आप 24 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा। देखिए ट्रिक बताऊं, दिमाग में करो। देखें 3 × 8 = 24, 8 के फैक्टर लिख दिए, 4 × 4 = 16, 4 के फैक्टर 40 से कैसे करेंगे, 0 का फैक्टर क्या आएगा, 2 × 5 कितना रहेगा, 4 के फैक्टर क्या है, 2 × 2 = 2, 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। ऐसे दिमाग में आप कर सकते हैं, या आप कहेंगे नहीं सर हमें समझ नहीं आता, ऐसे साइड में लिखकर अपने फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, भाग करना है, 2 का भाग दिया 16 में कितना, 8 में 2 का भाग 4, 4 divided by 2, 2 divided by 2, 1 आ गया। ठीक है, समझ गए, अभी भी नहीं समझे मतलब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म याद करो, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ यानी कॉमन फैक्टर लेना है, ऐसे ट्रिक से समझो कभी नहीं भूलेंगे। कॉमन फैक्टर सीएफ यानी कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या होता है, ऐसा फैक्टर जो तीनों में हो, कितना आ गया, 8। ठीक है, आसान है।